फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती ट्रेडिशनल डिश कोथमीर नु काचू। कोथमीर माने हरा धनिया। हरा धनिया और उबले हुए आलू से हम एक डिश बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं कोथमीर नु काचू। कोथमीर नु काचू बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल बारीक काट के हरा धनिया लिया है, साथ में आधा कप दूध, दो उबले हुए आलू, एक टेबलस्पून गरम मसाला, ये गरम मसाला हमने होममेड लिया है, एक टेबलस्पून तेल, एक टेबलस्पून पीसी हुई हरी मिर्ची, एक टेबलस्पून पीसा हुआ लहसुन, हाफ टी स्पून नमक लिया है। सबसे पहले उबले हुए आलू को हमने स्मैश करके लिया है, उसमें हम हरा धनिया डालेंगे। ये दोनों चीजों को हम अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। उबले हुए आलू और हरा धनिया को हमने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके लिया है। अब उसमें हम सारे मसाले डालेंगे। पहले थोड़ा तेल डालेंगे, पीसी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, पीसा हुआ लहसुन डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और नमक डालेंगे और साथ में दूध डालेंगे। दूध के साथ आप दूध की मलाई भी डाल सकते हो। सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। कोथमीर नु काचू बनके हमारा तैयार है। कोथमीर की जगह हम इसमें हरा लहसुन भी डाल सकते हैं। कोथमीर नु काचू खाने के लिए तैयार है। ऊपर से तेल डाल के रोटी या ज्वारी के भाकरी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।